हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और आपने ये कई बार सुना होगा कि गंगा नदी में नहाने से पाप और बीमारियों का नाश हो जाता है। बट व्हाट इफ मैं आपको ये कहूं कि इस बात को साइंस और साइंटिस्ट भी मानते हैं। इनफैक्ट गुड लक लाने के लिए इन नदियों में जो सिक्के फेंके जाते हैं ना, ऐसी रीति रिवाजे हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट उस बात को भी अपना फुल सपोर्ट देते हैं। गयाना बाउंसर। So, क्या इसका मतलब ये है कि सच में विशिंग वेल्स एग्जिस्ट करते हैं? Well, just wait and watch। इस विषय पर हम डिटेल में बात करेंगे आगे, पर पहले आप ये बताओ कि आपने कभी ये सोचा था कि पंजाबी सिखों के पगड़ी बांधने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है? जी हाँ, there is a science behind that too। पगड़ी बांधने से स्कल के 26 टाइनी बोन्स रैप हो जाते हैं, जो माइंड को रिलैक्स और काम रखने में मदद करता है। एंड आई विल प्रूव दैट टू यू। और सिर्फ यही नहीं, पगड़ी बांधने के और भी कई बेनिफिट्स हैं, जिन्हें जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो टाइटल्ड साइंस बिहाइंड डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स। दुनिया भर में 4000 से भी ज्यादा रिलीजियंस हैं और हर धर्म के अपने रीति रिवाज और बिलीफ्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों ने सालों से विरासत में हमें दी है और वो खुद भी इसे मानते और फॉलो करते आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि उन्हें फॉलो करना सही है या फिर नहीं। इज इट लॉजिकल? वेल, मेरी मानो तो सारे बिलीफ्स का तो नहीं कह सकते, पर यस, कुछ रिलीजियस बिलीफ्स ऐसे भी है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। लाइक नंबर वन, गंगा स्नान। जी हाँ, हम यहाँ पर उसी गंगा स्नान की बात कर रहे हैं जहाँ 2000 से भी ज्यादा सालों से लोग अपने पुण्य जन्म के और इस जन्म के पाप धोकर मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये भी मानना है कि बिना गंगा स्नान के उनकी लाइफ अधूरी है, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गंगा स्नान से हर प्रकार की बीमारियों का नाश किया जा सकता है। बीमारियों का नाश, और वो भी सिर्फ नहाने से? आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई बनी बनाई बातें या अंधविश्वास है, पर लेट मी टेल यू, ये बात शत प्रतिशत सही है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है। साल 2016 की बात है जब नागपुर बेस्ड नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट उर्फ नीरी को यह सुनने में आया था कि गंगा स्नान से लोगों की बीमारियों का हल निकल रहा है। और फिर क्या था, नीरी ने अपने लैब इक्विपमेंट्स लिए और पहुंच गए गंगा किनारे अपनी रिसर्च करने। तब उस रिसर्च दौरान उनको पता चला कि बाकी नदियों के कंपैरिजन से गंगा नदी में सिर्फ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। जिसका एक कारण ये है कि गंगा अपर मोस्ट हिमालयन रेंज से बहती है, जिससे कि उसमें एस्टेरिचिया, एंटेरोबैक्टर, सैल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो नाम के 5 पैथोजेनिक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया है जो आपके शरीर में बाकी नदियों से 3 गुना ज्यादा एड हो जाते हैं। और यही बैक्टीरिया से भरा पानी ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड, डायरिया और ऐसी कई सारी बीमारियों को खत्म करने का कारण बनता है। लेकिन ये तो गंगा स्नान लेने के पीछे का साइंटिफिक कारण हुआ, मगर इस साइंटिफिक वजह के साथ हमें ये भी जानना होगा कि स्नान के पीछे की लोगों की धार्मिक वजह क्या है। अब धर्म शास्त्रों में गंगा के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे जानी मानी कहानी है शिव और गंगा की। ऐसा कहा जाता है कि गंगा अंतरिक्ष में देखी जाने वाली मिल्की वे यानी आकाश गंगा है, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरी थी, लेकिन वो जिस फोर्स में आ रही है उससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु सब तबाह हो जाते हैं। इसीलिए हिमालय पर्वतों पे बसे शिव भगवान ने उस नदी को अपने सर पर गिरने दिया और उस नदी को अपने बालों के मध्य से धीरे से हिमालय के ढलानों पर से बहने दिया। इसी वजह से उनका नाम गंगाधर पड़ गया और उनकी कई तस्वीरों में आप उनके जटाओं से गंगा को बहते हुए देख सकते हो। और बस इसी कहानी के कारण गंगा नदी लोगों के लिए पवित्रता का प्रतीक और शिवा के अनगिनत चमत्कारों में से एक है। पर भगवान शिव के ऐसे कई अनगिनत चमत्कार हमेशा लोगों को एक सीख देकर जाते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को भी हल कर देती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस किताब में जिसका नाम है 11 Important Lessons of Lord Shiv, Secret to a Successful Life। और इन रोजमर्रा की समस्याओं के समाधानों के बारे में आप अपने रोजमर्रा के काम करते करते भी सुन सकते हो। जी हाँ, सुन सकते हो, क्योंकि कुकू FM पे आपको इस किताब के साथ काल गीता, महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण जैसे कई धार्मिक किताबों की ऑडियो बुक्स मिलेगी। साथ ही इस पे कई सारे बायोग्राफीज, मोटिवेशनल बुक्स, थ्रिलर्स, ड्रामा, कॉमेडी, हिस्टोरिकल, सेल्फ हेल्प बुक्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट से लेकर फाइनेंस, करियर, मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल्स,
मैनेजमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे कई सारे बुक्स पढ़ सकते हो और इसमें इवन आपको एकेडमिक रिलेटेड बुक्स जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वगैरह पे भी मिलेगा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अब सबसे मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पे बुक को रीड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास अक्सर समय नहीं होता ये करने के लिए। यहाँ पर आपको ये बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में मिलेंगे जिसे आप सुन सकते हो व्हाइल डूइंग मल्टीटास्किंग। तो जैसे ब्रेकफास्ट खाते खाते आपने सुन लिया या फिर वर्कआउट करते करते सुन लिया, आपका समय का समय बच गया और आपको डेली डोज ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग भी मिल गया। और अगर आपको बुक रीडिंग के वक्त इंग्लिश जैसी लैंग्वेज टफ पड़ती है समझने के लिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको हिंदी जैसी इंडियन लैंग्वेजेस में ही बुक मिलेगी जो आपके नॉलेज एब्जॉर्प्शन को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। अब फ्रेंड्स, क्योंकि कुकू एफएम क्यूरियोसिटी को प्रमोट कर रहा है और हम गेट सेट फ्लाई वाले भी क्यूरियोसिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए टीम गेट सेट फ्लाई और टीम कुकू एफएम ने मिलकर आपके लिए एक वंडरफुल प्लान लाया है जिसमें आपको सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में इस नॉलेज के भंडार का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यानी कि जितने पैसे में एक मीडियम साइज पिज्जा नहीं आता उतने पैसों में आप साल भर नॉलेज हासिल कर सकते हो मल्टीटास्क करते हुए। एंड इफ यू कैन ट्रस्ट मी, ये चीज आपको कम से कम पैसे में ग्रेटेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा लाइफ। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना है और कोड यूज करना है GetSet50 जिससे आप सिर्फ 199 रुपीज सालाना भर के ये सर्विस को यूज कर पाओगे। ये ऑफर सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशन तक ही वैलिड है, सो प्लीज हरी। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ यू एवरी डे। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर ई हैनबरी हैनकिन नाम के एक ब्रिटिश फिजिशियन को रिसर्च के दौरान यह पता लगा था कि कॉलेरा बैक्टीरिया को मारने में नॉर्मल पानी को 2 दिन यानी कि 28 आवर्स चले जाते हैं, वहीं बैक्टीरिया को मारने में गंगा जल को सिर्फ 3 घंटे ही काफी होते हैं। वेल, ये सारी बातें तब की है जब गंगा साफ थी और उसमें ये सारे प्रॉपर्टीज और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी। पर अगर हाल फिलहाल के सिनेरियो की बात करें तो अभी गंगा में एंटीबैक्टीरिया से कई गुना ज्यादा तो कचरे की गिनती बढ़ गई है। पहले बाकी नदियों से कंपैरेटिवली गंगा में 25% ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता था, पर हाल की बात करें तो अब इस रिवर में इंडस्ट्रियल वेस्ट से आए हुए हैवी मेटल्स लाइक क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, आर्सेनिक और लेड के अलावा कुछ नहीं बचा है। इनफैक्ट इन केमिकल्स के अलावा फ्लावर्स एंड मिल्क जैसे ऑर्गेनिक डिस्पोजल्स भी इस पानी को पल्यूट कर रहे हैं जिसके कारण गंगा रिवर में प्लैंक्टन्स यानी कि पानी के कीड़े की गिनती इतनी बढ़ गई है कि गंगा जल अब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की लिस्ट से बाहर निकल गया है। बट जब ये रीति रिवाज बने थे डेफिनेटली इसके पीछे कुछ तो साइंस था। नंबर 2, फ्यूनरल से आने के बाद नहाना है जरूरी। अब बात जब स्नान की हो ही रही है तो फ्यूनरल अटेंड करने के बाद वाले स्नान को कैसे पीछे छोड़ सकते। क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, इस्लाम जैसे और भी कई धार्मिक किताबों में ये कहा गया है कि अगर कोई किसी मरे हुए को छूता है या शमशान से घर आता है तो उन्हें बिना कहीं या किसी को छुए सबसे पहले नहाना चाहिए। इस रिचुअल को फॉलो करना वो अपनी शुद्धि मानते हैं और साइंटिस्ट उसी प्रोसेस को सैनिटाइजेशन और क्लीनलीनेस का नाम देते हैं। देखो बॉस, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई मरता है तो उसकी बॉडी बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती जिसके कारण वो धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगते हैं और जब उन्हें दफनाया जाता है या अग्निशंकर दिया जाता है तब वहाँ मौजूद हर लोग उस बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो जानलेवा बीमारियां भी फैला सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1845 की बात है जब वियन्ना के एक यंग डॉक्टर डॉक्टर इग्नेस सेमलवीज महिलाओं के चाइल्ड बेड फीवर से परेशान थे। चाइल्ड बेड फीवर यानी एक ऐसी बीमारी जो तब महिलाओं को बच्चे जन्म देने के बाद रिकवरी के दौरान हुआ करती थी और तब डॉक्टर इग्नेस ने नोटिस किया कि ये बीमारी के कारण सिर्फ वही विमेन मर रहे हैं जिनकी डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो रही थी। जो फीमेल्स घर पे बच्चे को जन्म दे रही थी उन्हें इस बीमारी को नहीं फेस करना पड़ रहा था और कई स्टडीज और सोच विचार के बाद उनको ये बात पकड़ में आई कि डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के बाद बिना हाथ धोए फीमेल्स की डिलीवरी कर रहे थे। और फिर क्या था, हॉस्पिटल्स में रूल्स बने ऑपरेशन के पहले कंपल्सरी हैंड वॉशिंग के सो दैट वो बैक्टीरिया पास ऑन ना हो। और देखते ही देखते मोर्टैलिटी रेट ऑफ वुमेन आफ्टर डिलीवरिंग 18% से 2% पर गिर गया और आगे चल के जब डॉक्टर्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी धोने लगे तब वही मोर्टैलिटी रेट 1% तक आ पहुंचा। डॉक्टर इग्नेस की यही सोच और स्टडी के कारण इतिहास ने उन्हें फादर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल का भी टैग दे दिया। नंबर 3, विशिंग रिवर्स। मैंने और आपने कई बार गंगा, यमुना या नर्मदा जैसी नदियों में सिक्के डाले हैं क्योंकि हमारी रिलीजियस बिलीफ ये कहती है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद के रूप में गुड लक और फॉर्च्यून ग्रांट करते हैं। वेल, गुड लक का तो नहीं पता पर यस, साइंस कहता है कि ऐसे करने से आपको गुड हेल्थ जरूर मिल सकती है। हिस्टोरिकली मोस्टली करेंसीज कॉपर से बनती है
और हम सबको बताया कि कॉपर अपने बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कॉपर में एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, विच बैलेंसेस थायराइड ग्लैंड फंक्शन, मैनेजेस हाइपरटेंशन, ट्रीट्स आर्थराइटिस और हार्ट हेल्थ और डाइजेशन को अच्छे रखते हुए एजिंग इम्पैक्ट ऑन बॉडी को भी रिड्यूस कर देता है। सो जब लोगों को ये पता चला कि कॉपर का पानी पीने से इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तब उन्होंने उनके वाटर रिसोर्स यानी कि रिवर्स में सिक्के डालने शुरू कर दिए। साथ ही में उन्होंने फिशिंग वेल्स जैसी भी कहानियां बनानी चालू कर दी, सो दैट जो लोग वेल वाटर पिए उनको भी बेनिफिट मिले। और मेरे ख्याल से वो कहानियां हैं जो आगे चल के रिलीजियस बिलीव्स बने और हम उन्हें आज भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अब हम कॉपर के नहीं बल्कि स्टेनलेस स्टील के कॉइन्स रिवर्स में डाल रहे हैं, जिसके काइंड ऑफ कोई बेनिफिट नहीं है। सो या जब ये बना था, इसके पीछे एक साइंटिफिक एंगल हो सकता है। नंबर 4, रीडिंग होली बुक्स व्हाइल प्रेगनेंसी। मैं दावे से कहता हूँ कि आपने इस बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम मम्मीज भगवत गीता, विष्णु पुराण और आदि ग्रंथ जैसी होली बुक्स पढ़ती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्या बेबीज वूम में उन बातों को सुन और समझ सकते हैं? जी हाँ, बेबी सुन सकते हैं। साइंस के हिसाब से प्रेगनेंसी के 18 वीक्स के बाद बेबीज हियरिंग स्किल्स डेवलप कर लेते हैं और उसके कुछ टाइम बाद बेबीज वॉइसेस भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उन्हीं आवाजों को रिकॉग्नाइज कर माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग बनने की शुरुआत हो जाती है। सो बॉन्डिंग बनने के लिए रीडिंग तो जरूरी है ही, पर उसके दूसरे फायदे ये भी है कि तब बेबी का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। सो उसी प्रोसेस के दौरान बेबीज इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज। इस बात का एग्जाम्पल महाभारत का एक किरदार अभिमन्यु भी है। माना जाता है कि उन्होंने चक्रव्यूह की कहानी उनके माँ के कोख में ही सुन ली थी और सीख ली थी। एंड इफ आपको इस एग्जाम्पल पे डाउट है तो भैया ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ यूएसए उर्फ पीनास ने रिसर्च किया था, जहां उनका ये कहना था कि बेबीज से बात करने से वो लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स, वोकैबुलरी, स्पीच परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी सीख लेते हैं। अब आप कहोगे कि वो तो कोई नॉर्मल बुक पढ़ने से भी डेवलप हो जाएगा, होली बुक सीखी। Well, उसका भी एक रीजन है और वो ये है कि हमारे धार्मिक पुस्तकों में चीजें डिटेल में समझाई जाती है, like भगवान कैसे दिखते हैं। स्टोरी प्लॉट्स का भी डिस्क्रिप्शन इस प्रकार लिखा गया होता है कि सिर्फ बच्चा वर्ड्स ही नहीं सीखेगा बल्कि साथ साथ में वर्ड्स को पिक्चराइज यानी विजुअलाइज भी करना सीख जाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि वो मॉरल्स और अपने कल्चर और रिलीजन को भी साइड बाय साइड सीख सकता है। नंबर 5, सिख टर्बन। पंजाबियों का नाम सुनते ही दो चीज जो सबसे पहले याद आती है वो है बल्ले बल्ले और दूसरा है उनकी पगड़ी, है कि नहीं? Well, religious perception से अगर देखा जाए तो सिख्स पगड़ी बांध ये declaration कर देते हैं कि उनका सर, उनकी सोच और उनका माइंड उनकी क्रिएटर यानी कि उनके भगवान को डेडिकेटेड है। तो वही गुरु गोबिंद सिंह जी का भी यही कहना था कि माई सिख विल बी रिकॉग्नाइज्ड अमंग मिलियंस, क्योंकि उनकी पगड़ी उनको बाकियों से अलग बनाती है। पर क्या आपको ये पता था कि पगड़ी पहनने के पीछे साइंटिफिक परसेप्शन भी हो सकता है? नहीं, कोई गल नहीं पाजी, मैं दस देता हूँ तन्नो। तो बात ऐसी है ना कि जब पगड़ी बांधी जाती है तो मल्टीपल रैप्स के प्रेशर से स्कल्स के 26 टाइनी बोन्स बंध जाते हैं और साथ ही में फोरहेड के कुछ प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं, जिससे कि माइंड की नर्व्स ट्रिगर होती है और वो पूरे दिन माइंड को रिलैक्स और काम रखती है। Something different, right? आपको में भी ऐसा लगा होगा कि इनके सर पे कितना भार पड़ता रहेगा, एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लगता था, बट इट एक्चुअली काम्स योर माइंड। और क्या आपको ये पता था कि पगड़ी सिर्फ सिख्स ही नहीं बल्कि दूसरे रिलीजियंस भी पहनते हैं? जी हाँ, दुनिया में सिख्स के अलावा और भी कई ऐसे रिलीजियन हैं जो पगड़ी को पहनते हैं, लाइक इस्लाम में उनके रिलीजियस लीडर्स ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पगड़ी पहनते हैं और सूफीज ग्रीन कलर की, तो वहीं हिंदुइज्म में गुजरातीज व्हाइट कलर की और राजस्थानीज कलरफुल दुपट्टे के टर्बन्स पहनते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? अब भाई लोग, अगर आपको कोई और बिलीफ पता है जिसके पीछे साइंस है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, गेट सेट प्लस साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। यूज द कूपन कोड गेट सेट 50 टू अवेल द ईयरली सब्सक्रिप्शन फॉर जस्ट ₹199 एंड स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ यू एवरी डे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।